हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज हम बात करेंगे डॉपलर रडार्स क्या चीज़ होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जब IMD का मॉनसून फोरकास्ट आता है तो डॉपलर रडार्स जो हैं उनके द्वारा प्रिडिक्ट करा गया है। तो होते क्या हैं डॉपलर रडार्स, इनका क्या रोल है मॉनसून के प्रोडिक्शन के अंदर, प्लस किस शेप के होते हैं, कौन से मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट द डॉपलर रडार, होता क्या है डॉपलर रडार एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव। क्योंकि अभी जब ताउते आया था तब एक रडार टूट गया था, एक डॉपलर रडार टूट गया था, उसने स्टॉप्ड वर्किंग। तो उसके बाद में से वी स्टार्टेड यूजिंग सेटेलाइट इमेजेस एंड ऑल, और ये महंगे भी बहुत आते हैं। लाइक एक डॉपलर रडार लगभग 12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका कितना बड़ा साइज है, कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डॉपलर रडार क्या होता है। स्टे हियर विद मी फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट, ऑलराइट। सो देखो, अभी रिसेंटली IMD ने इनका जो ओनली डॉपलर रडार है वो उसने काम करना बंद कर दिया था, और उसकी वजह से काफ़ी सारी रेनफॉल भी हुई थी। सो व्हाट हैपन्स कि अगर डॉपलर रडार काम करना बंद कर देता है तो आपके प्रिडिक्शन में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये रेनफॉल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि अच्छा मानसून इतना दूर है, इतनी बारिश होगी। जो हमारा वेदर फोरकास्ट हम गूगल पे करते ना, गूगल टेल मी टूडेज वेदर, तो वो गूगल टेल मी टूडेज वेदर जो है वो डॉपलर रडार के थ्रू आता है। तो जैसे साइक्लोन ताउते आया था तो वहाँ का जो डॉपलर रडार था वो डिफंक्ट हो गया था, तो उसका भी रिपेयर वर्क चल ही रहा है। डॉपलर रडार जो है वो देखो, वो सब चीज़ें छोड़ो कि मुंबई में ये टूट गया या फिर नया लग रहा है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये है क्या। ये जो डॉपलर रडार जैसे कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के अंदर है, ये लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक की रेडियस के अंदर आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है कि हाँ भाई ऐसा वेदर होने वाला है, बादल इस तरीके से बन रहे हैं, बादल की जो रेनफॉल है वो इतना हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको अगले 10 दिन का 15 दिन का फोरकास्ट मिलता है कि बादल हो सकते हैं, धूप हो सकती है, बादल के साथ बिजली हो सकती है, बारिश हो सकती है, सिर्फ धूप होगी। तो इस तरह का जो फोरकास्ट है उसमें ये डॉपलर रडार बहुत हेल्प करते हैं। ये आपको इंटेंसिटी रेनफॉल कितना हो सकता है और उस एरिया पे कितना इम्पैक्ट होगा रियल टाइम में बता सकते हैं। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिडिक्शन ऑफ द मॉनसून। इस तरीके से दिखता है, ये एक स्फेरिकल बॉल होता है, एज यू कैन सी इसके अंदर काफ़ी ऐसे स्पेयर्स भी हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये एक रेडियो वेव इमिट करता है, मैं अभी आपको बताएंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से स्फेरिकल दिखता है, इसको किसी एंटीना पे डाला जा सकता है, इसको किसी बिल्डिंग पे, इसको किसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो होती है उसके ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। जैसे कि चेरापूंजी मेघालय के अंदर ये डॉपलर रडार है, गोपालपुर उड़ीसा के अंदर है, कोची के अंदर है, भुज के अंदर है, मुंबई के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर देखो। और इसका ये भी रहता है कि ये इसमें ना जब ये वन ऑफ़ दी हाईएस्ट बिल्डिंग या हाईएस्ट टॉप पे होना चाहिए ताकि इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। बादल जमीन पे तो बनेंगे नहीं, बादल तो आसमान में बनेंगे, दैट इज़ वेयर वी नीड द प्रेडिक्शन। सो इट इज़ ऑलवेज, और बिल्डिंग्स की वजह से इंटरफेरेंस ना हो इसलिए ये हमेशा कोशिश करी जाती है कि इसको हाईएस्ट पोजिशन पर रखा जाए। अब आती है हमारे काम की बात कि डॉपलर रडार वर्क कैसे करता है। ये एक रेडियो बीम को इमिट करता है। रेडियो बीम क्या है, एक बीम ऑफ एनर्जी है। ये रडार के अंदर एक बीम ऑफ एनर्जी रेडियो वेव जो हाई वेवलेंथ की होती है इसको इमिट करता है। इसमें एंटीना होता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें एंटीनाज होते हैं, ये इसको इमिट करते हैं। जब ये इमिट करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लो इसने वेव इमिट करी, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, जैसे एरोप्लेन आ गया, क्लाउड्स आ गए, बर्ड्स आ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, जब ये रेडियो वेव इससे टकराएगी तो 2-3 चीज़ें होगी। अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो शायद रेडियो वेव इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाए, स्कैटर हो जाए, या अगर ये जैसे डस्ट पार्टिकल तो बहुत छोटे हो गए, डस्ट पार्टिकल को ये नहीं करती क्योंकि ये हाई वेवलेंथ की है, ठीक है। तो बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसके लिए, बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि एरोप्लेन हो गया, बर्ड को भी एक्चुअली मिस कर देता है, तो उनको जैसे ही वो टकराएगी तो वो स्कैटर हो जाएगी। जब वो स्कैटर होगी तो उसमें से कुछ स्कैटरिंग वाली जो वेव्स हैं वो वापस उस डॉपलर रडार पे पहुंचेगी, इसको हम दूसरा हम बोलते हैं रिसीवर पे पहुंचेगी। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग बैक टू द रडार आई है, इस रिफ्लेक्टिंग बैक को हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, कितना टाइम लगा है वो फ्रीक्वेंसी वापस लेने के लिए। तो ये जो रिटर्न होती है ये ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आती है, इन्हीं को स्टडी करते हैं। अच्छा, डॉपलर का अगर आपने एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करा है ना, तो आपने ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज़ करा होगा कि दो ट्रेन है,
ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एक दूसरे की तरफ एक गति से बढ़ रही है, या फिर आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन ए आपसे जा रही है, आप कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम डॉपलर की इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जर्वर भी मूविंग हो सकता है या स्टैटिक हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूविंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है ये, दिस वी डोंट हैव टू गो विद द फॉर्मूला, बट आई एम टेलिंग यू कि डॉपलर जो है वो बहुत बार बहुत इसकी नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि आप हमारा जो स्पीडिंग टिकट करता है, ठीक है, जैसे ही कैमरे आते हैं हम गाड़ी स्लो डाउन कर लेते हैं बिलो 50, क्यों? क्योंकि वो डॉपलर रडार है, वो आपके ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, देखेगा कि स्पीड कितनी है और आपका चलान कटेगा। तो ये इस तरीके से जितने भी हमारे ट्रैफिक कैमराज हैं वो वर्क करते हैं। हमारी जो एप्टीट्यूड की इक्वेशंस हैं कि ट्रेन कितनी जल्दी से निकलेगी, दो ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही है, वी ऑल यूज़ दिस डॉपलर इफेक्ट वेरी वेरी ऑफ्टन इन अवर लाइफ। तो ये इस तरीके से मेजर करता है। फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है इसमें, यहाँ पे F0 फ्रीक्वेंसी इसको इमिट करी गई है, ये जाएगी इस एक बड़े ऑब्जेक्ट से टकराई, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेनड्रॉप भी हो रहा है। तो ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ ह्यूज ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो यहाँ से जब ये रडार वेव F0 टकराएगी तो ये स्कैटर होगी, ये रिटर्न होगी। जब ये रिटर्न होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और इस फ्रीक्वेंसी को चेंज, अब ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी F-F0 हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम निकालेंगे कि हाँ भाई ये इतना फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है। तो ये एक प्लेन हो सकता है, या फिर ये एक बिल्डिंग हो सकती है, या फिर ये एक क्लाउड हो सकता है, और उस क्लाउड के अंदर भी वो कितना तेज़ी से क्लाउड मूव कर रहा है, स्टैटिक है, मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? ओके, तो ये टूल फॉर ट्रैकिंग है। ये क्या करता है, साइक्लोन्स को ट्रैक करता है कि साइक्लोन का मूवमेंट किधर है। जैसे साइक्लोन यास और ताउते के अंदर हमने करा था, हमने पूरा उसका देखा था कि वो किस तरीके से पहले गुजरात की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ अरेबियन सी पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर टर्न हो गया। रेनफॉल का स्ट्रक्चर और उसका इंटेंसिटी क्या है, इन सब के बारे में बताता है कि व्हाट इज़ द इंटेंशन एंड स्ट्रक्चर, कितना तेज बादल है, क्यूमुलस क्लाउड से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, प्रिसिपिटेशन अक्यूमुलेशन की कितनी बारिश हो सकती है, बोलते हैं ना कि हाँ आज इतनी तेज़ बारिश होने की आसार हैं, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन की इतनी तेज़ हवा आएगी, ये क्लाउड डेवलपमेंट एंड मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को ये मेजर करता है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर UPSC मेंस ऑल्सो कि डॉपलर रडार का क्या इंपैक्ट होता है। तो ये साइक्लोन को ट्रैक करता है, रेनफॉल एंड इट्स इंटेंसिटी को बताता है, प्रिसिपिटेशन अक्यूमुलेशन को बताता है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को बताता है, एंड क्लाउड डेवलपमेंट एंड मूवमेंट को बताता है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द डॉपलर रडार। अब इसमें होता क्या है कि जो बीम ट्रांसमिट हुई है और जो बीम रिटर्न हुई है उसमें टाइम लगा है। जैसे कि यहाँ से ट्रांसमिट करी, मान लो कि अभी 0 सेकंड पे ट्रांसमिट करी है, ये किसी क्लाउड से टकरा के जब इसके पास वापस पहुँची है तो ये 5 सेकंड पे पहुँची है। अगर ये 5 सेकंड पे पहुँची है, ये 10 सेकंड पे पहुँची है, ये 15 सेकंड पे पहुँची है, इन सारी चीज़ों पे हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। जितना कम टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट मूविंग है और उतना ही पास में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो रिटर्न हमारे पास रडार आया है उसको हम देखते हैं कि रेनड्रॉप के लिए मेजर करते हैं उसमें, और ये इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर बोथ फॉर द पोजिशन ऑफ द टारगेट एज वेल एज दैट मोमेंट कि यहाँ पे डॉपलर रडार है। तो इसके कंपैरिजन में इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, इसके रेफरेंस पॉइंट में ये बादल इतना दूर है और ये बादल इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम विंड स्पीड भी निकालते हैं बाद में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो ट्रैकिंग ऑफ फेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव पल्सेस होता है, ये इसकी शेप पोजीशन एंड फॉर्म ऑफ पल्सेस को स्टडी करता है। कंप्यूटर मेजर करता है कि कितना ओरिजिनल शिफ्ट हुआ, जैसे कि हमने देखा F1-F0 था ना, कि F0 हमने इमिट करी थी, है ना, F0 हमको वापस रिफ्लेक्ट होके आई है, तो इन दोनों के बीच में क्या फेज़ क्या शिफ्ट हुआ है, ये इस तरीके से फेज़ शिफ्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, कि वेव का फेज़ शिफ्ट हो गया है। फिर उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि रेन ड्रॉप का मूवमेंट कितना रहा होगा, और ये फिर हमको सारी चीज़ें बताता है कि अच्छा प्रिसिपिटेशन दूर आ रहा है, जा रहा, आ रहा, पास आ रहा है, ये सब होगा। डॉपलर रडार में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज़ करी जाती है इंडिया के अंदर, एस बैंड, सी बैंड एंड एक्स बैंड, जनरली ये बैंड यूज़ करे जाते हैं, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बैंड्स हैं। इनको ज़्यादा डिटेल में कभी हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है, पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा डॉपलर रडार को अंडरस्टैंड करना है। तो रडार जो है वो मीटरोलॉजिस्ट को बहुत टाइम से
इट हैज़ बीन गिविंग वेरी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की साइक्लोन आने वाला है, जैसे आने से पहले हमको पता चल जाता है ना, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस प्लस विद द हेल्प ऑफ डॉपलर ऑल्सो, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस को आने में कैप्चर करने में इनमें टाइम लगता है, रडार डॉपलर रडार क्या आपको इंस्टेंटली रियल टाइम दे रहा है कि हाँ इतना मूवमेंट हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस एंड द डॉपलर रडार साइक्लोन कैसे बन रहा है, साइक्लोन किधर मूव कर रहा है, साइक्लोन का अभी क्या सीवियर हो गया है, एक्सट्रीमली सीवियर हो गया है, कितना इम्पैक्ट होगा, कितना रेनफॉल होगा, कितनी तेज हवा चलेगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एसोसिएटेड होती है, यहाँ से हमको पता चलती है. ओके, आर वी गेटिंग क्लियर ऑन डॉपलर रडार? ऑसम. एक्स बैंड रडार जो है ये थंडर स्ट्रॉम एंड लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के काम आता है. सी बैंड जो है वो साइक्लोन को ट्रैक करने के काम आता है. इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एक्स बैंड, थंडर स्ट्रॉम एंड लाइटनिंग, इसको तो आप वो हमारी जो मार्वल की मूवीज होती है ना वैसे भी ध्यान रख सकते हो. एक्स बैंड, ओके, सो सी फॉर साइक्लोन, सी जो बैंड है वो साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए काम आता है. हर 10 मिनट में ये अपडेशन होती है, इसकी डिफरेंट इंटेंसिटी की डिफरेंट रडार वेव्स भेजी जाती है, एंड वी ऑल्सो गेट टू नो कि अच्छा वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है. सो दिस इज हाउ द डोपलर रडार वर्क्स. ये पूरा मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये होता है. ये फ्रीक्वेंसी अपॉन ट्रांसमिशन इतनी थी, ये डिपेंड करता है कि अगर डोपलर, अगर ये ऑब्जेक्ट रडार की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो रिटर्न फ्रीक्वेंसी है वो हायर होगी. अगर ये बादल इस रडार से दूर मूव कर रहा है तो जो रिटर्न फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी. ठीक है, तो ये हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांसमिशन और रिटर्न रडार के अंदर हम पूरा प्रिसिपिटेशन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसको देखते हैं. ये इस तरीके से वेदर रडार्स होते हैं जो ग्लोबली लाइक ऑब्जर्व, एक रोटेटिंग एंटीना होता है, ये इसके अंदर एक रोटेटिंग एंटीना होता है, ये रेडियो वेव इमिट करेगा, ये रेन ड्रॉप या स्नोफ्लेक जो भी है ये इसको वेव रिटर्न करेगी. तो प्रिसिपिटेशन इंटेंसिटी एंड ड्रॉपलेंट मूवमेंट ये इस रिटर्न्ड रडार से, इसको ध्यान रखो, प्रिसिपिटेशन इंटेंसिटी एंड ड्रॉपलेंट का मूवमेंट मतलब कि वो पास आ रहा है या वो दूर जा रहा है. पास आ रहा है तो हायर फ्रिक्वेंसी रिटर्न होगी, दूर जा रहा है तो लोअर फ्रिक्वेंसी रिटर्न होगा. इन सारी चीज़ों को देखते हैं. उसके बाद में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, कितना टाइम लगा, टाइम टेकर मतलब वो कि क्या ये रिटर्न होके 2 सेकंड में आ गई है तो मतलब बहुत पास है, क्या ये रिटर्न होके 10 सेकंड में आई है तो मतलब थोड़ा दूर है. इस तरीके से इसमें पूरा स्टडी करा जाता है. आर वी क्लियर ऑन डॉपलर रडार? आप कभी भी इस तरह का एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देखो कहीं पे इतना बड़ा, तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एक रडार वेव इमिट करता है, कहीं पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे जो फ्रीक्वेंसी वापस आ रही है उसको हम स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, दूर जा रहा है, कैसा ऑब्जेक्ट है. राइट, क्लियर, ओके. सो इनको डॉपलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना ये सेम लाइन पे ही वर्क करते हैं. इज द डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट चेंज इन साउंड वेव के बारे में बात करता है. जैसे कि कोई ट्रेन आपके पास से गुजर रही है तो आपको जो ट्रेन का पिचिंग साउंड होता है वो दूर तक इस तरीके से सुनाई देता है, तो वो उसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, चेंज इन साउंड वेव. तो ये जो साउंड वेव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है जो अगर ऑब्जर्वर के जैसे ही पास आती जाएगी, ये कंप्रेशन की वजह से शिफ्ट इन फेज होता जाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत तेज सुनाई देगी, और जैसे जैसे ही वो ट्रेन दूर जाती जाएगी वो फिर से स्ट्रेच होती जाएगी. मतलब ऐसे देखो कि आप यहाँ पे खड़े हो, एक्स हो, ठीक है, ये ट्रेन है, ये एक्स से जेड तक मूव कर रही है. यहाँ पे जब ट्रेन आपसे दूर है तो ये थोड़ी स्ट्रेस्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है, इस तरीके से कंप्रेस्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. फिर आपसे दूर गई तो उस तरीके से स्ट्रेस्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो जितनी ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी आपको उतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, डिफरेंट चेंज इन फेज हो गया है, ठीक है. और जितनी ज़्यादा दूर होगी आपको उतनी ही फेडेड आवाज़, मतलब दूर से आती हुई कोई आवाज़ सुनाई देगी. एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, क्रिश्चियन डॉपलर, 19th century के अंदर उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कस करा, उसको फिनोमेना को डिस्कवर करा था. उसके बाद US नेशनल वेदर सर्विस ने डॉपलर रडार ट्रांसमिट सिग्नल, मतलब दे हैव ओनली सीन की ओनली फॉर ओवर 1/7 second, दे स्पेंड 59 minutes and 53 seconds लिसनिंग टू द रिटर्न सिग्नल, ठीक है. तो ये उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे उसमें, उसके बाद में यहाँ पे रडार थे तो इंडिया, तो ये डॉपलर रडार्स को बाद में मीटरोलॉजी के लिए इसको स्टार्ट करा गया कि अच्छा सेम ही प्रिंसिपल पे हम इस तरह का कोई एक रडार बना सकते हैं जो हमको क्लाउड के प्रिसिपिटेशन के मूवमेंट के बारे में बताएगा. इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे काफ़ी सारे रडार हैं, 8 locations पे, कोलकाता, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, काराईकल. देखो मैं इसको हमेशा आई डोंट नो, आई जस्ट रीड इट हाफ, ओके, आई एम रियली सॉरी गाइस. एंड देन चेन्नई ऑल्सो, वेस्ट कोस्ट पे भी हमारा तिरुवनंतपुरम, कोची, गोवा एंड मुंबई के अंदर है. सो यू सी मोस्ट ऑफ द रडार आप देख रहे हो ना कोस्टल एरिया पे है, अंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि अंदर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है,
क्लाउड फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से जो हमारी मॉनसून ब्रांच आ रही है ना वो इम्पैक्ट कर रही है, इसलिए सारे रडार जो है वो कोस्टल एरिया पे, हिंटरलैंड पे नहीं दिखेगा रडार, हिंटरलैंड पे जैसे मेघालय में है वो दिखेगा हमको, ठीक है। बाकी हिंटरलैंड के अंदर ये है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अच्छा यहाँ पे रेनफॉल पहुँची है या नहीं पहुँची है। तो इस तरीके से लगभग 55 डॉपलर रडार हैं। चेन्नई इज डूइंग द अपग्रेडेशन ऑल्सो। सो दिस वॉज द कम्प्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर रडार, क्या होता है, ये मॉनसून को किस तरीके से प्रिडिक्ट करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है टू नो कि कितनी रेनफॉल होने वाली है, कैसे होने वाली है। सो दिस वॉज द कम्प्लीट पिक्चर एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया हो डॉपलर रडार क्या होता है। ओके, सो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो इफ़ यू रियली अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ द डॉपलर रडार। अगर कोई और दूसरा ऐसा मैकेनिज्म है, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल पिक द टॉपिक एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दैट। सो दिस इज इट, मेरा नाम संतोष है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। जय हिंद।